हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिडलाइन आकलन 2021-22 कक्षा 8वीं विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। 50 अंकों का पूर्णांक रहेगा, 3 खंड होंगे। पहले खंड में 8वीं का प्रश्न आएगा, दूसरे खंड में 6वीं के प्रश्न होंगे और तीसरे खंड में 4थी के प्रश्न होंगे। तो किस तरह से पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए। ये 1 या 2 अंकों के प्रश्न में पूछा जा सकता है। कवि के अनुसार सभी मनुष्यों में विवेक, ज्ञान, सहानुभूति, मैत्री भाव एवं आपसी प्रेम भाव आदि गुणों का विकास होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। ये भी 1 या 2 अंकों में पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, समाज को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है। समाज के लोगों के द्वारा अच्छे कार्य करते हुए आपसी कलह एवं द्वेष मिटाकर परस्पर सहयोग एवं प्रेम की भावना जागृत कर समाज को सवाश्रयी बनाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था। श्रीकांत की शराफत और होशियारी से सभी लड़के उससे प्रभावित थे। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उसकी लोकप्रियता से सुधीर मन ही मन श्रीकांत से श्रेया करता था। श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर की क्या प्रतिक्रिया थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब्राहम लिंकन कौन थे, उन्होंने किसे पत्र लिखा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। इस तरीके से प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8वां प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को क्या सिखलाना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को नेक इंसान, जनता के हित में काम करने वाले राजनीतिज्ञ, मेहनत से पैसा कमाना, राग द्वेष से दूर रहना, मुसीबतों को हंसकर टालना, बदमाशों को काबू में करना, पक्का विश्वास, नेक व्यवहार, किताबों का महत्व, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत, दूसरों की बातें सुनकर अच्छाई को ग्रहण करने, दुख में भी हंसना आदि सिखाना चाहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा बनाना है, बदमाश का क्या हो जाएगा, बदमाशी, दोस्त का दोस्ती, पशु का पशुता, देवता का देवत्व। उसके बाद 10वां प्रश्न है, कौन कौन ठउला छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के आगाज दिया कहे गे है, ओला अपन ला बताना है। प्रश्न क्रमांक 11, पचराही में कौन कौन धर्म से संबंधित मंदिर के अवशेष मिले हैं। पचराही में कौन कौन जली प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, तो मुलुस्का और पाइला, यानी कि सिर्फ जली प्राणी के अवशेष मिले हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ, ये खालिस्तान में पूछ सकते हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इब्राहिम गार्दी कौन थे, तो इब्राहिम गार्दी मराठों का सेनापति था। उन्होंने किस में भाग लिया, पानीपत के युद्ध में। किसके मारे जाने पर इब्राहिम गार्दी को दुखी हुआ, सदाशिव राव और विश्वास राव के मारे जाने पर इब्राहिम गार्दी को दुख हुआ। जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ से लेखक की क्या क्या बनने की इच्छा थी। ये स्टूडेंट अपने आधार पर यहाँ पर मैंने उत्तर बता दिया, इसको आप देख के समझ सकते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी। लेखक जादूगर बनने का सपना कैसे टूट गया, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जा चुका, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक जब जादूगर को रुपयों के लिए रोता देखा, तो उसकी दुर्दशा को देखकर लेखक को गहरा धक्का पहुंचा और उसकी जादूगर बनने का सपना टूट गया। लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ, खालिस्तान के लिए प्रश्न है। लेखक सबसे पहले पेंटर से प्रभावित हुए थे। संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए, लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, दुनिया में लड़कियां बड़े बड़े कार्य कर रही है, ऐसे में कुछ पुरानी सोच के लोग उन्हें केवल चूल्हे चौकी के ऊपर उठने नहीं देते हैं।
और लड़कियां अपनी इच्छा को मारकर रह जाती है, इसका विरोध संजू की दीदी के मन में उठ रहे थे। डायरी लिखने के क्या लाभ हो सकते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसको याद कर लेंगे। सगुन अपसगुन मानना हमारी तरक्की में किस प्रकार रुकावट डालता है। सगुन अपसगुन के कारण हम किसी कार्य को दूसरे दिन के लिए छोड़ देते, जिससे कार्य लंबित होता है या कहीं जाना आना जाना रोक देते हैं, जिससे लाभ वंचित हो जाता है। आजादी के एक सांस काकर बराबर होते, आजादी के एक सांस 100 जन्म के बराबर होते। खालिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंधियार अपन डेरा ल कब सकेलन लखते, सूरज के उजियारा आजादी ले अंधियार अपन डेरा सकेलन लगते। लहू के तरिया ल कौन निकलते, तो लहू के तरिया ले तौर के बीर निकलते। तो इस तरह से आप याद करेंगे साहस के पैर से क्या तात्पर्य है। कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व तो अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है। क्यों? कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व तो अपनी चुनौतियों के साथ हमें इसलिए प्रभावित करता है, वह अपने अपाहिज होने के कारण कक्षा के छात्रों द्वारा हंसी का पात्र बनने के बाद भी अपनी हिम्मत और साहस से सभी का सामना कर उन्हें जवाब देता है और डटा रहता है, हिम्मत नहीं हारता है। उसके बाद अचल कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट खालिस्तान के लिए, और वह लंगड़ा कैसे हुआ, या एक अंक के प्रश्न में ये आ सकता है। प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं और वे यात्राएं क्यों करती है, तो चिड़ियाओं की कुछ प्रजातियां वर्ष में एक या दो बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती हैं, उन्हें प्रवासी चिड़िया कहते हैं। वे गर्मी एवं जाड़ों से बचने तथा प्रजनन के लिए यात्राएं करती है। प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती है, तो रात में ही आक्रमण से बचाव के लिए किया जाता है। पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है, क्यों, ये भी यहाँ से आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद किन किन नदियों की कलकल नाश से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है। नर्मदा, महानदी, शिवनाथ नदियों के कलकल नाश से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है। महानदी का तट क्यों प्रसिद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महानदी का तट भगवान राजीव लोचन एवं माता सबरी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। महानदी के तट पर राजीव लोचन और माता सबरी के मंदिर है। उसके बाद आपके प्रश्न क्रमांक 34, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप अच्छे से याद कर लेंगे। शिवरी नारायण, रतनपुर और राजिम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आप इसको देखकर अच्छे से इसको समझ लेंगे, शिवरी नारायण के बारे में, रतनपुर के बारे में एंड राजिम के बारे में, तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से। उसके बाद परशुराम के स्वभाव कैसे रहे, परशुराम अक्खड़ और अड़ियल स्वभाव वाला घमंडी रहीस। रामेश्वर हा नाचा देखे बर काबर नहीं गई, सेला अपमन हा लिखो। ओकर बाद जातिवाचक भाववाचक संज्ञाएं छांटकर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको दिया रहेगा, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद विलोम शब्द लिखिए, अनाथ का होता है सनाथ, अलभ्य का होता है सलभ्य, समास विग्रह रसोई घर का होगा, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास, राजा पुत्र, राजा का पुत्र, राजभवन, राजा का भवन, सभी यहाँ पर तत्पुरुष, अन्य पुरुषों से भी आपको पूछा जा सकता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र या पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखे। निबंध में आपका राष्ट्रीय पर्व, विज्ञान के चमत्कार, स्वच्छता अभियान, कोविड-19, कोरोना वायरस, एक संक्रमण, तो इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।